नमस्कार, लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले शरद पवार को झटका देंगे अजीत पवार, ये दो नेता थामेंगे एनसीपी का दामन। लोकसभा चुनाव के बाद एनसीपी अजीत पवार की आज मुंबई राष्ट्रीय बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा जाएगी। इस दौरान सोनिया दुहान और धीरज शर्मा का एनसीपी पार्टी में प्रवेश भी होगा। पार्टी विभाजन के दौरान इन दोनों ने शरद पवार का साथ दिया था। सोनिया दुहान ने लंबे समय तक प्रवक्ता के तौर पर भी काम किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में 2019 के सियासी घटनाक्रम के बाद सोनिया सुर्खियों में रही। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के बाद एनसीपी के कुछ विधायकों के निजी विमान से दिल्ली के एक होटल में ठहराया गया। उस वक्त शरद पवार ने सोनिया को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद सोनिया इन विधायकों को होटल से निकालकर मुंबई ले आई थी। सोनिया शरद पवार की विश्वास पात्र के रूप में जानी जाती है। धन्यवाद।